तो क्या आपके मिडजर्नी में भी जॉब एक्शन रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये प्रॉब्लम 2 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है और ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी हम यूज़ करते हैं तो चैट जीपीटी में बहुत सारा आपको एरर आता होगा। जैसे कि आपने देखा होगा चैट जीपीटी में हम कभी कभी वो सही वर्क करता है, कभी नहीं वर्क करता, रिफ्रेश करने में फाइनली वो करने लगता है। पर मिडजर्नी में एक ऐसा एरर आया, ये भी वही लिख रहा है, ड्यू टू एक्सट्रीम डिमांड वी कांट प्रोवाइड अ फ्री ट्रायल राइट नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब और ट्राई अगेन। तो देखो, यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकता है, दैट्स मीन 2 मेजर रीज़न हो सकता है। एक तो इसने जो फ्री ट्रायल था वो ख़त्म कर दिया, या तो ये हो गया कि इसमें जो एरर आ रहा है, ग्लिच आ रहा है, जैसे चैट जीपीटी में आया था तो चैट जीपीटी वर्क करना छोड़ दिया था, तो ये बाद में अपने आप को स्टार्ट कर दिया। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है कि मतलब इसने क्या किया, मतलब ऐसा कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है कि मिडजर्नी ने अपना ट्रायल ख़त्म कर दिया, वो ट्रायल नहीं दे रहा है, डायरेक्ट आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी यूज़ कीजिएगा। पर मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ मिडजर्नी ही एक बोट है, दैट मीन मिडजर्नी ही एक AI आर्ट बोट है। बहुत सारे ऐसे टूल है जिससे आप बहुत ही परफेक्ट आर्ट जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ टूल शेयर कर देता हूँ, जो मेरा बुकमार्क में एक फाइल है मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मैं मिडजर्नी से ज़्यादा उनको यूज़ करता हूँ। जहाँ पे मैं बता दूँ, मिडजर्नी जो है स्टेबल डिफ्यूजन पे वर्क करता है, और मैं जो भी आपको टूल बताने वाला हूँ वो स्टेबल डिफ्यूजन पे ही वर्क करते हैं। तो आप इसे यूज़ करो या उन्हें यूज़ करो, बात आपको एक ही पड़ता है, आप एक बार जरूर उसे एक्सप्लोर कर ले। तो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट टूल आता है वो आता है प्लेग्राउंड AI। मैं बता दूँ, मिडजर्नी का अगर कोई टक्कर देने वाला है, 2-3 टूल है जो हमेशा इसको टक्कर देता है, एक तो डॉली टू, एक प्लेग्राउंड AI, और एक आपको जो भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड AI में आप क्या कर सकते हैं, परफेक्ट यहाँ पे आर्ट जनरेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑयली आर्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन आपको अपने हैंड में मिल जाता है। मिडजर्नी क्या करता है, वो अपने तरीके से यहाँ पे वो आर्ट जनरेट करता है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने आर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे बहुत सारे कुछ, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आर्ट भी जनरेट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने यहाँ पे आर्ट को जनरेट किया और शेयर भी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो क्वालिटी आपको मिलता है, परफेक्ट क्वालिटी मिलता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको क्वालिटी में रिड्यूस होगा, और यहाँ पे आपको परफेक्ट आर्ट भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको यहाँ पर प्रॉन्ट कोड भी मिल जाता है, और जिसके साथ आप रिमिक्स करके अपना आर्ट जनरेट कर सकते हैं। आप इसी कॉपी को इसी प्रॉन्ट कोड को यूज़ करके आप अपना आर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको उसका डिटेल भी मिल जाता है कि इसमें कौन से गाइडेड स्केल को यूज़ किया गया, कौन से सीन नंबर यूज़ किया गया, और ये मॉडल किसका है। जैसे यहाँ पे स्टेबल ये प्लेग्राउंड V1 का मॉडल है, तो यहाँ पे प्लेग्राउंड V1 दिखा रहा है। बहुत से इमेजेस है जिसमें आपको स्टेबल डिविजन का भी मिलता है ऑप्शन, तो आपको वहाँ पे भी मिलेगा। आप चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड इमेज भी कर सकते हैं सिंपली आपको। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आप 1000 इमेज जनरेट कर सकते हैं पर डे, तो ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। यहाँ पे आपको एक बार आपको यहाँ पे ट्रायल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली आपको क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पे क्लिक करना, और आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप फिल्टर वगैरह भी चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिल्टर वगैरह मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको जिस टाइप का इमेज चाहिए आप उस टाइप का इमेज यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। मान लो आपको इमेज जनरेट करना चाहते हो, उसमें कलर ग्रेडिंग भी करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको, और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉन्ट कोड भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉन्ट कोड मिल जाता है, यहाँ पे आप इमेज वगैरह का भी यूज़ करके आप अपना आर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपली इसका एक सेपरेट वीडियो है, जितने भी टूल है मैं सिंपली उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे कैनवा का भी मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने इमेज को एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। मान लो अगर आपका इमेज जो भी आप बनाते हैं, तो उसके फिंगर या कुछ भी आपको उसमें बैकग्राउंड रिमूव करना, तो आप वहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो ये आपको प्लस बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि मिडजर्नी में आपको नहीं मिलता है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टूल की तरफ। तो हमारा जो सेकेंड टूल है वो है prompthero.com, और मैं बता दूँ इस वेबसाइट का नाम ही नहीं है, ये बिल्कुल हीरो है, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारे आर्ट पहले से देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको मिडजर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, हर एक जितने AI आर्ट है वो सारे का आर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस मैं उनका एक जनरल मिलता है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ChatGPT का हो गया, मिडजर्नी का हो गया, स्टेबल डिविजन का हो गया, ओपन जर्नी का हो गया, डॉली 2 का हो गया, ये सारे आर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी लोग यहाँ पे अपने आर्ट जनरेट करते हैं और उनके प्रोमो कोड यहाँ पे शेयर करते हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए काम को आसान कर देता है। प्रोमो कोड अगर आप फाइंड करेंगे जर्नी के लिए, तब भी आपके लिए काम को आसान कर देगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रोमो कोड का आइडिया ले सकते हैं और उसे अपना आर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपली आपको आर्ट जनरेट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्रिएट अपने अकाउंट क्रिएट करना, और यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम यही आता है, 25 इमेज वाला आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको 25 इमेज ही ट्रायल मिलता है। देन आपको लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट वाला ऑप्शन आएगा, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रिएट ऑल ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आप यहाँ से अपना आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये सारे जितने भी टूल बता रहा हूँ आपके एंड्रॉइड फ़ोन में भी वर्क करता है, अपने आपके स्मार्टफोन में भी वर्क करता है, तो आप अपने स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप चलते अपने थर्ड टूल की तरफ। तो थर्ड टूल है जिसका नाम है Leonardo.ai, जिसे मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ आजकल। Midjourney के से ही Midjourney से बेहतर यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल मिल जाता है। यहाँ पे आपको सबसे एक बेस्ट टूल ये मिलता है ट्रेनिंग एंड डेटा सेट, जहाँ पे आप अपने इमेज को क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। अपने 20 से 25 इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करना है, उसके बाद उसके ट्रेन करना है, और उसके बाद जो भी आर्ट जनरेट करिएगा तो आपके इमेज के रिलेटेड आर्ट जनरेट होगा। चाहे आपको इस टाइप का आर्ट जनरेट करना है या चाहे जिस टाइप का भी आपको आर्ट जनरेट करना है, आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर मिल जाते हैं। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आपने ये वीडियो नहीं देखा मेरा, तो एक बार जरूर जाकर चेक करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमारा जो फोर्थ नंबर आता है वो आता है Dolly 2। तो क्या करना, क्रोम पे सिंपली सर्च करना है labs.openai.com, और आपको कुछ ऐसा शो करेगा। आपको यहाँ पर लॉगिन एंड साइन अप करना पड़ेगा पहले, आप परफेक्ट आर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो Dolly 2 को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये OpenAI के प्रोडक्ट है। आपको पता है इसने ChatGPT को डेवलप किया OpenAI ने, और Dolly 2 को भी उसने डेवलप किया, तो आप यहाँ से भी अपने आर्ट को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जिसका नाम है creator.nightcafe.studio। लॉगिंग सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा और तो आपको कुछ ऐसा शो करेगा। उसमें भी सबसे पहले आपको लॉगिन एंड साइनअप करना पड़ेगा, और मैं आपको बता दूँ मुझे भी और ये भी परफेक्ट लगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप जो आर्ट जनरेट करते हैं वो बहुत ही परफेक्टली आर्ट यहाँ पे जनरेट होता है। देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे जनरेट किया है इससे पहले यहाँ पे, जिसका देख सकते हैं क्वालिटी वगैरह भी सब परफेक्ट है यहाँ पे। तो आप देख सकते आपको कुछ ऐसा शो करें, यहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसे कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलता है, और आप यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे अपने आर्ट को जनरेट करते हैं और अपना रेफरेंस इमेज भी यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी परफेक्ट आर्ट आपको मिल जाएगा। बस एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि आपको यहाँ बहुत ही कम आपको यहाँ पे एसेज मिलता है, क्रेडिट मिलता है, पर डेली मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको 5 से 6 डेली क्रेडिट मिलेगा, इसे आप यूज़ करके आप आर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे आर्ट क्रिएट जनरेट कीजिएगा, उससे पहले आप अपने प्रॉम्प्ट कोड को तैयार कर लीजिए, सोच समझ लीजिए आपको जनरेट करना है क्या, आप फिर उसे आप यूज़ कीजिए यहाँ पे, जिससे क्या होगा आप एक परफेक्ट आर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। तो मिलते हैं कंटेस्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।